सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस. ठीक है, एक बात याद रखनी है कि ये जो 21 टू 30 एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है, तो मेटल्स आर, दैट मींस दे विल बी ऑलवेज फॉर्मिंग द कैटायंस. हम आयरन 3 पॉजिटिव पढ़ते हैं, आयरन 2 पॉजिटिव पढ़ते हैं, आयरन 2 नेगेटिव नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, निकल 2 पॉजिटिव है, कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव. तो ये सारे जो हैं दे विल बी फॉर्मिंग द कैटायंस. ओके, ये लूज करेंगे, गेन नहीं करेंगे. फर्स्ट तो गेन करने की बात हमने डिस्कस ही नहीं करनी है. ठीक है, कैसे लूज करेंगे, किस ऑर्बिटल में से पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होंगे. ठीक है, कैल्शियम हम स्टडी करके आए हैं, 4s2 तक जाता है, 4s2 के बाद जो 3d है वो फिल होने शुरू होते हैं. ओके, अब यहाँ पर हमने एक चीज का ध्यान रखना है, दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन, तो 4s की एनर्जी जो है वो 3d से कम है. तो जब हमने फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो पहले 4s भरना है. Whenever we are going to do the filling of the electrons, firstly we will be filling the 4s orbital because that orbital it is having less energy. ठीक है, तो lower energies वाले को हमने fill करना है according to आपको principle. Okay, but after the filling of 3d electron, जैसे जैसे हम 3d electrons जो हैं वो fill करने start करते हैं, जैसे हम scandium पे आते हैं, titanium पे आना शुरू होते हैं, right? Then the filling of the d orbitals it gets started. So क्या होता है after the filling of d orbitals? तो जो d की एनर्जी है वो 4s से कम हो जाती है, यानी कि 3d की एनर्जी जो है वो 4s से कम हो जाएगी when there is the filling of d orbitals. ठीक है, ये केस है before filling का. जब हमने डी ऑर्बिटल को फिल नहीं किया हुआ है तो 4s की एनर्जी कम है, इसलिए 4s जो है वो पहले फिल होंगे. अब जब हमने फिलिंग करनी शुरू कर दी डी ऑर्बिटल्स की, तो जो 4s है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और डी की एनर्जी कम हो जाती है. तो कैन यू सी, मैंने डी को पहले लिखा है और 4s को बाद में लिखा है. देख सकते हो आप, पहले मैंने 3d लिखा है, बट जब हम फिलिंग कर रहे थे कल हमने ऐसा नहीं डिस्कस किया. ठीक है, कल हमने ये कहा था कि पहले 4s भरा जाएगा फिर 3d भरा जाएगा. बट देन देयर इज अ फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, जो d ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो हम उनको पहले लिखते हैं और फिर 4s को बाद में लिखते हैं. सो मेक श्योर व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द कॉन्फिगरेशन, d पहले लिखा जाएगा, s बाद में लिखा जाएगा. व्हेन वी आर गोइंग टू फिल इट, तो s पहले भरा जाएगा फिर 3d भरा जाएगा. ठीक है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स हैं, ये आपने याद रखनी है. ओके, जब फिलिंग करनी है तो पहले एस में फिलिंग करनी है, 4s की फिलिंग करनी है. ओके, राइट, बट जब लिखना है तो पहले 3d लिखना है, 4s नहीं लिखना. कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे. पहले 3d लिखना है फिर 4s लिखना. ओके, अब जैसे मैंने आपको कहा है कि अब 4s की एनर्जी जो है वो ज्यादा है व्हेन वी हैव फिल्ड द ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो जब हमने इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं तो नेचुरली हम सबसे पहले हाईएस्ट एनर्जी वाले में से ही फिल कर लूज करवाएंगे. ठीक है, तो जब हमने लूज करवाने हैं तो वी विल बी लूजिंग आवर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हायर एनर्जी ऑर्बिटल. और यहां पर हमारा हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? 4s. तो यानी कि जब फिलिंग करनी है तो पहले 4s में करनी है, और जब रिमूव करवाने हैं तभी भी हमने 4s में से ही पहले रिमूव कराना. गेटिंग द पॉइंट? जब फिलिंग करनी है तो भी पहले 4s में फिल करना है, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाने हैं तभी भी हमने 4s में से ही पहले लूज करवाने हैं, 3d में से बाद में लूज करवाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव, मैंने Fe2 पॉजिटिव बनाना है, ये रही आयरन की कॉन्फिगरेशन. ठीक है, ऑर्बिटल कंसेप्ट बनाते हैं. तो ये रहा आपका 3d6 एंड दिस इज 4s2. तो यहाँ पे हंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले d भरना है, डू रिमेम्बर. ठीक है, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग d भरना है, पहले सबको सिंगली फिल्ड करना है फिर डबलिंग करनी है. ओके, अब मैंने लूज करवाने हैं इलेक्ट्रॉन्स Fe2 पॉजिटिव के लिए, तो Fe2 पॉजिटिव कैसे बनेगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर? तो Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 18 3d6.
क्योंकि 4s2 जो है वो लूज हो गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालने थे तो हमने दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। कहां से निकाले हैं हमने? s में से निकाले। ओके हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा? ओके, सो दिस इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन। अब यहीं से हम एक और चीज पढ़ेंगे, विच इज द मैग्नेटिक कैरेक्टर। That is also very very important. Paper में 1 or 2 marks के questions पूछ लेते हैं magnetic character के ऊपर. So based on the magnetic character, we are having 2 types of the substances, paramagnetic and diamagnetic. ठीक है, दो तरह के हैं हमारे पास, paramagnetic है और diamagnetic. Paramagnetic. Paramagnetic का मतलब क्या होता है? That we are having some unpaired electrons. पेयरिंग का मतलब समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयरिंग? पेयरिंग मींस ऐसे, दो का एक पेयर होता है ना, ठीक है? तो अगर तो ये पेयर्ड है, इफ दे आर पेयर्ड, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किसके अंडर आ जाते हैं? वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अगर वो अनपेयर्ड है, यानी कि एक सिंगल स्पिन के साथ है, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो डैट विल बी शोइंग द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, अब जैसे मैं इसका कैरेक्टर देखती हूँ, Fe2 पॉजिटिव का हम स्टडी करते हैं वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब ये देखो, हमने ओवरऑल सबका देखना है, 6 है ना, तो 6 के 6 का हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर देखना है। अब ये देखो, ये दोनों तो पेयर्ड अप हो गए, एक ही स्पिन ऊपर है, एक ही स्पिन नीचे है, दे विल बी कैंसलिंग ईच अदर। ठीक है, एक ही स्पिन ऊपर है, एक ही स्पिन नीचे है, दे विल बी कैंसलिंग ईच अदर। बाकी कितने बच गए? 1, 2, 3, 4, दे ऑल आर अनपेयर्ड, सिंगल सिंगल है ना, दे ऑल आर अनपेयर्ड, सिंगल सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4। तो आपसे पूछ लेते हैं, write down the configuration of Fe2 positive and state whether it is paramagnetic or diamagnetic and tell the number of unpaired electrons. So Fe2 positive jo hai wo kya hai? Paramagnetic hai sabse pehle kyunki isme singly filled unpaired electrons hain. Kitne unpaired electrons hain? 4 unpaired electrons hain. Okay, it is having 4 unpaired electrons. Aur jab bhi aapne magnetic character batana hai orbitals ke sath filling karke batana hai. अब 3d6 है, आपको तो ऐसे लगेगा इवन नंबर है, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा ना देख के, 3d6 है, 6 का मतलब ये तो पेयर्स बना लेंगे 2-2 का, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। हमें पहले उसको ऑर्बिटल में फिल करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा, पहले हम हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी चलाएंगे। ठीक है, कि 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6 वाला यहाँ पे आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ही स्पिन ऊपर है, एक ही स्पिन नीचे है। ठीक है, बाकी हमारे पास 4 जो है वो अनपेयर्ड बच गए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर वी आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। और अगर आपके पास सारे के सारे पेयर्ड हैं, जैसे कुछ ऐसा होता, सपोज थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं, सपोज इफ दिस इज द थिंग, ठीक है, ऐसे होता सपोज, तो एक ही स्पिन ऊपर एक ही नीचे, कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे, तो ये सारे क्या हैं? पेयर्ड है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमने बाकी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी फिल करने हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा केस आता है तो डैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, जहां पर हमारे पास पेयर्ड है, सारे के सारे पेयर्ड है। ठीक है, एंड दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, तो उस केस में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताते हैं। ठीक है, अगर पैरामैग्नेटिक है तो हम बताएंगे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डायमैग्नेटिक है तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं उसमें, सारे के सारे पेयर्ड है। ओके, तो ये भी 1-1 mark के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नाउ क्विकली फॉर्म द कॉन्फिगरेशन फॉर copper 1 positive। Cu पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन लिख के बताओ बेटा, Cu पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन लिख के बताइए जल्दी। सो द कॉन्फिगरेशन इज
आर्गन 18 3d10, क्योंकि हमने ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया, ठीक है, तो इतनी चीज बची हमारे पास. सो दिस इज आर्गन 18 3d10 एंड स्टेट दिस इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. अब मुझे ये बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है. तो लिख लेते हैं ऑर्बिटल के फॉर्म में, पहले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. 10 इलेक्ट्रॉन्स है, वैसे तो हमें पता है कि पूरे फील्ड हैं, ठीक है. सो दिस इज डायमैग्नेटिक, ओके. सो दिस इज डायमैग्नेटिक क्योंकि सारे के सारे जो है वो पेयर्ड अप है, ओके. सो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यू कैन ऑल्सो से दिस that it is having zero unpaired electron. कोई भी unpaired electron नहीं है उसके पास, सारे के सारे paired है, ठीक है. अब और कैसे questions आ सकते हैं आपको, you can be asked about that, write down all the four quantum numbers for the 18th electron of nickel. Suppose आपसे पूछा गया है कि all four quantum numbers जो हैं वो बताइए for the 18th electron of nickel. अब पहले हम 18th इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे निकल का, ये निकल की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है. तो इसको लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d. हाँ जी, निकल के लिए 3d 8 है, 4s2, ठीक है. सो लेट्स सी विच वन इज द 18 इलेक्ट्रॉन हियर. 2 4, ये 10 हो गए, 10 12 एंड 18, ठीक है. तो 3p6 जो है वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन जा रहा है निकल का, ठीक है. निकल का 18th इलेक्ट्रॉन 3p6 में एंटर हुआ, तो 3p6 के लिए अब हमने सारे के सारे फोर क्वांटम नंबर्स लिखने हैं. n is 3, l की वैल्यू आती है n-1. अगर n 3 है तो l क्या हो जाएगा, 2, ठीक है. तो 3 minus 1 is 2, ओके. अब उसके बाद हमने m की वैल्यूज लिखनी है, दैट इज -2 -1 0 +1 and +2, और स्पिन नहीं बताई है तो +-1 है, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो देखो नंबर ऑफ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है. और आपसे कैसे पूछ सकते हैं, tell whether 3F7 exist or not, quantum numbers में से कि 3F7 exist करता है कि नहीं. हाँ जी, do you think 3F7 will exist? Yes, do you think 3F7 will exist? ठीक है, 3F7 नहीं exist करेगा, why? हाँ जी, N3 के लिए जो possible L की values हैं वो 2 तक जाएंगी बस, that is the 2 only, ठीक है, 0, 1 and 2, ओके, राइट. तो F जो है वो कहां पर आ रहा है, SPDF. L की वैल्यू जो है वो 3 होनी चाहिए, डेट इज नॉट पॉसिबल, यस, ठीक है, डेट इज नॉट पॉसिबल. SPDF, उसके बाद G लिखते हैं, H लिखते हैं, तो इस ऑर्डर में भी कंटिन्यू होते हैं ये ऑप्शंस, ठीक है. SPDFGH. अब नेक्स्ट लिखिए, यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर MN4 पॉजिटिव क्विकली. CR2 पॉजिटिव, ZN2 पॉजिटिव, एंड टेल वेदर दे आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. अगर तो पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने. We have to form MN4 positive. दो इलेक्ट्रॉन्स तो पहले हमने यहां से निकाल दिए, ठीक है. तो ये 4s वाला तो निकल ही गया सबसे पहले, ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां से निकाल दिए, अब 2 और बचे हैं, ओके. 2 और बचे हैं तो हम कहां से निकालेंगे, b में से. तो 5 में से 2 निकाल दो तो वी आर लेफ्ट विद 3, ठीक है. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ 1, 2 and 3, तो इट इज हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड, ठीक है. CR2 पॉजिटिव, हियर इज द क्रोमियम,
इसमें से अगर हम ये वन निकाल देंगे एस वाला तो वी आर लेफ्ट विद आर्गन 18 3d5। हमें कितने लूज करवाने हैं? 2 करवाने हैं, ठीक है। एक ये निकल गया और वी आर लेफ्ट विद यहां से एक निकाल दिया 3d4, ठीक है। अगेन इट इज पैरामैग्नेटिक विद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो पेपर में आप आर्गन से पहले वाली कॉन्फिगरेशन भी लिख सकते हो या सिंपली यू कैन रिप्रेजेंट फ्रॉम द आर्गन, ओके। जिंक 2 पॉजिटिव, अब ये देखो जिंक 4s हमने पहले निकालना है तो 4s के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 निकाल देंगे हम। दिस इज आर्गन 18 एंड दिस इज 3d10, ठीक है। तो 3d10 मींस फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन, सो दिस विल नॉट हैविंग एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। अब इसी में से ही आपको अगर मैं पूछूं, अच्छा एक कॉपर 1 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन भी लिख के बताइए, इसी के साथ एक और कंसेप्ट कर लेते हैं। कॉपर 1 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन, हाँ जी, वेरी गुड रमन, इट इज आर्गन 18, ठीक है। ये आर्गन 18 लिखा, 1 है तो ये 1 निकाल देंगे, वी आर लेफ्ट विद 3d10। कैन यू सी कॉपर 1 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव, दे बोथ आर हैविंग द सेम कॉन्फिगरेशन। Can you see copper 1 positive and zinc 2 positive? They both are having the same configuration. ठीक है, यानी कि इनमें same number of electrons present है. तो can we call these both as isoelectronic species? Can we call both of these as isoelectronic species? हम इनको कह सकते हैं ना isoelectronic species हैं. तो ऐसे आपको isoelectronic species पे भी questions पूछ सकते हैं. Okay? Now we are going to do the one last concept, that is the screening constant. ठीक है, ये हमारा एक रह गया था, छोटा सा है, screening effect और shielding effect. Okay? अब ये हमें नहीं चाहिए, so I'm going to erase it. Now what is screening effect? This we will be studying in detail in the next chapter also, but in your NCERT you are having these questions of shielding effect. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इन डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब होता क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट? स्क्रीन करने का मतलब क्या होता है? बचाना है, किससे बचाना है, किसको बचाना है, ठीक है, कौन बचाएगा? अब 3 क्वेश्चन आते हैं, किससे बचाना है, किसको बचाना है और कौन बचाएगा, ठीक है। किससे बचाना है? न्यूक्लियर चार्ज से, न्यूक्लियस के चार्ज से। किसको बचाना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बचाना है, जो लास्ट वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। कौन बचा रहा है? जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, दे आर प्रोटेक्टिंग, ठीक है। अब ये चीज आप ऐसे देख सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपके छोटे भाई को मार रहे हैं, ठीक है, डांट रहे हैं मतलब, ओके। तो आप बींग जी बड़े भाई होने के कारण, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप उसको बचाते, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है, कि वो जो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के चार्ज से। अब जब प्रोटेक्शन हो गई, ठीक है, जब आप बीच में आ गए, ओके, तो अब आपके पेरेंट्स जो है वो आपके छोटे भाई को थोड़ा कम डांटेंगे ना, तो वैसे ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी एक्सपीरियंसिंग लेस न्यूक्लियर चार्ज when there is something, when there are inner electrons to protect them, ठीक है। तो जो effective nuclear charge अब वो experience करेंगे, ठीक है, डांट तो पड़नी है, but आपके आने से वो कम हो गई, ठीक है। तो कितनी कम हुई ये किस पे डिपेंड करता है? स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब उसको कितनी डांट पड़ेगी, डैट विल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, कितनी पढ़नी थी, दैट मींस द टोटल न्यूक्लियर चार्ज, कितना उसने एक्सपीरियंस करना था, वैसे उसमें से हमने माइनस कर देना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, मतलब कितना आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज द शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहां पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब उसको कितना प्रोटेक्ट कर लिया गया, ठीक है, तो सो दैट इट कैन एक्सपीरियंस द लेस न्यूक्लियर चार्ज, ओके। So this is known as the screening effect or shielding effect. और एक बात याद रखनी है,
कि एस ऑर्बिटल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे ज्यादा शील्ड करते हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास हैं, ठीक है, दे आर वेरी नियर टू द न्यूक्लियस. फिर पी, फिर डी एंड फिर एफ, ठीक है. तो एस ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी शील्डिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स मोर. और एक बात याद रखनी है, जैसे जैसे एन बढ़ेगा मोर इज एन, एन मीन्स द नंबर ऑफ शेल, ठीक है. द मेन शेल जितनी ज्यादा होगी, जिसका ज्यादा उसका नंबर होगा, ठीक है, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट विल बी एक्सपीरियंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं ना. ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, न्यूक्लियस की टेंडेंसी टू होल्ड दैट इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होगी, ठीक है. तो इसी कंटेक्स्ट में एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यू हैव टू स्टेट among which of these following orbitals they will experience more nuclear charge. 2s जो है वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा या 3s, ठीक है. एक ये है, द सेकेंड वन इज 3d और 3p. वट इज योर आंसर? जो मैंने ऊपर दो तीन चीजें लिखी हैं उनके बेसिस पे ही आपके ये आंसर हैं. 2s will experience greater nuclear charge, उसके बाद 3d और 3p में से कौन ज्यादा पास है न्यूक्लियस के, p ऑर्बिटल्स या d ऑर्बिटल्स? p, ठीक है. सो इट विल बी मोर इन केस ऑफ 3p, ठीक है जी. चलिए, सो एनसीईआरटी के जितने भी क्वांटम के क्वेश्चन है आपने वो डिस्कस कर लेने हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस, द न्यूमेरिकल्स ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने छोड़े हुए थे, ठीक है. So you can write down the Vivid Bharati station broadcast on the frequency 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation. आपने wavelength जो है वो electromagnetic radiations की calculate कर ली है. New given है, lambda निकालना है. C आपको पता है. That is 3 × 10⁸ meter per second. ठीक है. But उससे पहले हमें kilohertz को किसमें convert करना पड़ेगा? Hertz. ठीक है. So we will be converting these kilohertz into hertz. So 10⁻³ hertz आ जाएंगे. ठीक है. Very easy numerical. Lambda is equal to. हमने क्या पढ़ा हुआ है? Nu is equal to c by lambda. ये expression याद है ना हमें? ठीक है. तो अब अगर मैंने यहाँ से lambda निकालना है, तो lambda इधर लिखेंगे और nu इधर लिखेंगे. ठीक है. So 3 × 10⁸ over what is nu? This is 1368 × 10�³. ओके, ठीक है बेटा, राइट. तो कैलकुलेट दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए बेटा. ठीक है, सो द वैल्यू इज 219.3. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू जी दिया. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट करते हैं. अगेन नेक्स्ट इज ऑल्सो ऑन द ईएम रेडिएशंस पर भी ही बेस्ड है ये भी क्वेश्चन. तो आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है 1 mole ऑफ फोटोन्स की. हमें पता है फोटोन्स की एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल टू एच न्यू होती है. ठीक है, अगर हमने 1 mole की बात करनी है तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद द एवोगाड्रो नंबर, जिसमें वी विल बी गिविंग द 1 mole ऑफ फोटोन्स. ठीक है, 1 photon की एनर्जी एच न्यू है. अगर 1 mole की निकालनी है, वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद द एवोगाड्रो नंबर. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, सो E इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻²³, H इज 6.626 × 10⁻⁴. ठीक है, सॉरी 6.02. ओके, इनटू न्यू इज गिवन टू यू, फ्रीक्वेंसी मैंने ड्रॉप भी कर दिया. That is 5 × 10⁻¹⁰. ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लेना. एवोगाड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻²³.
प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.626 × 10⁻¹⁴, ठीक है जी, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 × 10⁻¹⁰. सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर. That is 19.93 or 95 joules. ठीक है, so this is the answer. अब आपने next question में क्या करना है, आपको एक 100 watt bulb दिया हुआ है जो कि wavelength emit कर रहा है 400 nanometer. We have to find the number of photons emitted per second by the bulb. तो सबसे पहले हम इसमें से total energy निकाल लेंगे, ठीक है, कि what is the total energy that is emitted by the one photon. So energy of one photon निकाल लेंगे पहले. So this is your homework. I am just explaining how to do. ठीक है, E is equal to h nu से. क्योंकि आपको frequency नहीं दी हुई है, so we will be using the expression c by lambda. तो यहाँ से आपकी total energy आ जाएगी. Number of photons निकालने के लिए what we will be doing, we will be dividing the total energy जितनी बल्ब से आ रही है, दैट इज गिवन टू यू 100 वॉट ओवर द एनर्जी ऑफ फोटोन. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स दैट आर एमिटेड. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. ओके, तो रेस्ट न्यूमेरिकल्स वी विल बी डूइंग टुमारो. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के हो गए, बोहर मॉडल के हो गए, ठीक है, हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रॉगली के. ठीक है, तो ये चार कंसेप्ट की न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे एंड टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. ठीक है, चलिए.